देख जी एक बात मैं बोलूंगा, झूठ और सिर्फ और झूठ है। देखिए मैं एक बात हमने मैं अरे सुन तो लीजिए यार, देखिए हड़ताल कभी करे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्यों कभी यार प्रतीक जी, देखिए मैं बात जो हड़ताल की बात कर, हर वर्ग का हड़ताल को हमने माना है 1500 साल। आपको प्रतीक जी विश्वास नहीं होगा, पटवारियों की क्या मांग थी आप सुन सकते हैं, पेंसिल रबड़ अलमीरा, मतलब 1500 साल में वो भी नहीं दे पाते जो हमने दिया जी। जनाब साहब इनको समझ में आना चाहिए, सरकार आरोप नहीं लगाती, सरकार जांच करवाती है। एक दूसरा अभी आप कह रहे थे सुन लीजिए, दूसरा अभी आप कह रहे थे कि चार सुन लो ये सुन लीजिए, ये कह रहे थे कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, क्या ये उनको गरीबी रेखा वाला कार्ड बंद करने वाले हैं, बीपीएल कार्ड वापस लेने वाले हैं, जरा ये बता दें जी। जनाब मोबाइल मोबाइल रख लीजिए जी। जनाब क्या नाम? मेरा नाम है सैयद नवेद अशरफ और मैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम समाज के प्रमुख गुरु का बेटा हूँ। मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई नहीं करूँगा, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा उसमें आप समझ जाएंगे। हालात ज़माने के संभलने नहीं देते, हम साथ पे चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत की निगाहों को मिटा दो इस ज़माने से, जो हम भाइयों को एक साथ कभी चलने नहीं देते। क्या बात है। और दूसरी बात पूरा पूरे शेर लेके आए हैं आज। आज आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं महोदय, जिनकी केंद्र में सरकार है, महोदय आपसे अनुरोध है, आप सुनिए खास तौर पे। हमें मालूम है जो आपकी कहानी है, आपको तो सिर्फ झूठ से अपनी दौलत कमानी है, हैं? हमें मालूम है कि आपकी जो भी कहानी है, आपको तो सिर्फ अपने झूठ से दौलत कमानी है, और भले ही कितनी ही कीमती पोशाक में घूम लो आप, आपका लहजा और आपकी जबान बताती है आप कितने खानदानी हैं। देखिए मैं किसी का व्यक्तिगत जवाब देने यहाँ नहीं आया हूँ। यदि यदि सरकार है और घोटाले हो रहे हैं तो प्रश्न जनता पूछेगी और जवाब सरकार को देना पड़ेगा जी, जवाब सरकार को देना पड़ेगा, प्रश्न जनता पूछने वाली जी जी। मैं सबसे जरूरी बात आप ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर 35 साल, ये 15 साल पे जाते हैं, ये 5 साल पे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे जाने की बात आएगी तो इंदिरा से बात शुरू होगी। तो बहुत सारी बातें हैं करने को, सबसे जरूरी बात है छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है भाई साहब जहाँ पर आज भी चप्पल बांटी जाती है, सरकार योजना चलाती है चप्पल बांटने की। हम उस तरीके के पिछड़ेपन के साथ हैं, उस अव्यवस्था के साथ हैं, उस अस्थिरता कोई बात नहीं करेगा। और देखो 2 मिनट दीजिएगा भाई साहब, सबसे जरूरी चीज़ छत्तीसगढ़ के अंदर आप मुझे बताइए, कोई अपने तन का वस्त्र तब उतारता है जब उसकी अस्मिता आखिरी चीज होती है अस्मिता दांव पे लगाता है। इस क्षेत्र इस राज्य के अंदर कुछ दिन पहले विधानसभा के सामने हमारे यहाँ नग्न प्रदर्शन करना पड़ा बच्चों को, एसटी एससी के बच्चे थे विभाग के, उनको करने का सिर्फ ये कारण था कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उनको डांट कर मार कर भेजा गया। भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब आपकी सरकार है, मैं दब जाऊंगा सर, मैं अब भी नहीं जीत रहा हूँ, माननीय बोलने दे, बात ना दबाए आदरणीय बात नहीं दबाएं। आपकी बात हम सुन रहे थे ना, हम लोग बहुत देखिए जनाबे अली आप बहुत मोहतरम हैं, बहुत इज्जतदार आदमी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन नहीं करना पड़ेगा क्या, जबरदस्ती है तो जनता है तो मालूम है, लेकिन लेकिन डिसिप्लिन में मैं आपका आपकी बात सुनी मैंने, लेकिन आप प्रोग्राम आराम से खड़े रहिए, मतलब कोई कोई ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है जी। तो ये एक अगर ऐसी व्यवस्थाओं पे काम हो जाए, आपको सवाल चुभने लगे, अगर किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे बच्चों ने नंगा प्रदर्शन किया, नंगे हो गए तो सवाल चुभने लगे, और अगर किसी ने कह दिया कि यहाँ चप्पलें बांटी जाती हैं तो सवाल चुभने लगे। आइए यहाँ बीच में ये शो है, बोलिए। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात, ये एम्स की बात, ये प्रदेश की बात, आप इस प्रदेश का स्वास्थ्य के ऊपर बजट देखिए, राष्ट्र का बजट देखिए भाई साहब, 33 जिले हैं मेरे पास, 33 जिलों में 1000 से 1100 करोड़ में एम्स बनता है। अगर अमित जोगी जी हमारे नेता हैं, उन्होंने ये चीज़ को बिल्कुल प्रस्तावित किया कि अगर हमारी सरकार आती है, नहीं भी आती है, तो हम इस पर कार्यरत रहेंगे, कोशिश करेंगे जब तक ये चीज़ नहीं हो पाती है। अगर ये व्यवस्था आप एक जिले में एम्स जैसी व्यवस्था दे देते हैं तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर आज एम्स रायपुर में तो एम्स है, रायपुर में एम्स है, क्यों 33 जिलों में व्यवस्था नहीं हो सकती? वो हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, अंबिकापुर में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज का एक साल का पूरा समय जाया हो जाता है बच्चों का, जीरो ईयर घोषित कर दिया जाता है एमसीआई द्वारा।
क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ न्यूरो का टीचर नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज में कोई करने वाला नहीं है। ये व्यवस्था को कौन समझेगा? स्वास्थ्य मंत्री जी समझेंगे अपने गृह विधानसभा में। अगर अपने गृह विधानसभा में वो बात नहीं समझ पा रहे और नहीं समझा पा रहे, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बाकी व्यवस्थाएं आपके सामने लोगों की। देखिए अभी देखिए वो बात जा रही है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। स्वास्थ्य की बात करें तो अभी वो मेडिकल वैन जा रही है, ये हमने किया। हाँ। राय दीदी के लिए एक भी चीज और, आपने जो मेडिकल वैन कर दी इसे हम बच गए, वरना बचते नहीं हम। देखिए आप खुद एक चीज और बोलूंगा, 15 साल में आपको विश्वास हो प्रतीक जी, देखिए 15 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए 5 साल में और 4 प्रस्तावित और 2 निजी मेडिकल कॉलेज। 65 से ज्यादा पुरस्कार स्वास्थ्य में, मतलब अलग अलग जिला अस्पतालों को, जो शहरों के अस्पताल या ये गांव के अस्पताल, 65 पुरस्कार केंद्र सरकार हमको देती है। हमने जैसे मैंने बोला अस्पतालों की एकदम लाइन लगा रखी है, दाई दीदी क्लिनिक, मतलब बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में। और एक प्रतीक जी और बता देता हूँ, अखबारों खबर छपती है कि 35 साल बाद बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में, 35 साल बाद आप सुनिए, 35 साल ऑपरेशन हो रहे हैं बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में, एकदम जब ये बात कर रहे हैं तो किसने करके दिखाया? 15 साल क्यों नहीं? बीजापुर में पेड़ के नीचे मेडिकल कैंप लगता है इनका, और रायपुर के मेकाहार अस्पताल में 74 पद रिक्त है, और ये डीकेएस अस्पताल है सुपर स्पेशली, एक भी डॉक्टर जो है परमानेंटली सब संविदा पे, और सारी जांच का पैसा देना पड़ता है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। प्रतीक जी मैं और बता, मेरे पॉकेट में पर्ची है, मैं खुद मेकाहार आ जाता हूँ, वहाँ पे फ्री इलाज है, ये क्या जी? पहले तो मैं आपके सब्र की बहुत तारीफ करता हूँ, पर चुपचाप जनता ऐसा ही होती है, जो किसी से नहीं जुड़ी होती चुपचाप खड़ी है, इंतजार करी, प्रतीक्षा करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर जैन है। अमर जी क्या काम करते हैं? मैं थोड़ा सा ज्वेलरी का वो करता हूं। जी सीखना चाहिए लोगों को कि कैसे सब्र आता है, कह देने भर से नहीं होता है, सब्र के लिए सीखना पड़ता है, और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, समझना ही नहीं, उनको वैसे ही हल्ला मचाना है तो हल्ला मचाएंगे, उनका काम हो गया बस, उन्हें सवाल पूछना तो हो लिया। जी बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई वो भी घोषणा करके आई, और अमित जोगी जी की पार्टी लगातार पिछले 5 साल तक गुलाबी साड़ी। भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज गुलाबी प्लीज जी पूछे। गुलाबी साड़ी बांट के उन्होंने भी बहुत, पहले बीजेपी वालों ने कहा कि शराबबंदी करेंगे, नहीं हुई, फिर कांग्रेस वालों ने शराबबंदी होगी, नहीं हुई, फिर योगी जी 5 साल पिछले 5 साल से अमित जोगी जी गुलाबी साड़ी बांट के, मतलब वो साड़ी उसे प्रदर्शन करते हैं, घोषणा कभी नहीं की कि शराबबंदी लागू करेंगे, और हम मतलब अगर ये चारों पार्टी एक होकर अगर घोषणा करे कि हम शराबबंदी लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू होगी। शराबबंदी शराब के कारण छत्तीसगढ़ का माहौल इतना बिगड़ गया है कि दसगात्र और छठी में शराब का सेवन हो रहा है, जो कि धार्मिक त्यौहार, पारिवारिक त्यौहार, उसमें वो घर में वो लोग बच्चों के सामने शराब पी रहे हैं, माँ बाप की बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। जैन साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो काम हो सकता है। नमस्ते, बड़ी लंबी प्रतीक्षा हो गई जी, आज लंबी बातचीत हुई। हाँ भाई आदित्य इधर आइए, आपका आकलन क्या कहता है बताइए, हमारे सहयोगी हैं, बोलिए। सर देखिए आंकड़े जो कह रहे हैं, 2018 का जब चुनाव हुआ तो 15 साल की बीजेपी सरकार थी, हाँ। एंटी इनकम्बेंसी थी, हाँ। तो उस वक्त वोटिंग परसेंटेज जो था वो मिला था 43% कांग्रेस को और 32% बीजेपी को। आ गया ये, हाँ जी, 43% मिला था कांग्रेस को, हाँ। और 32% मिला था बीजेपी, 32% मिला था बीजेपी को जी। 2013 में चलते हैं, हाँ। क्या था? 41% बीजेपी और 40% कांग्रेस। और सीटें कितनी थी दोनों की? दोनों की सर 10 सीटों का फर्क, 49-39% एक ही था फर्क, लेकिन 10 सीटें ज्यादा थी। तो इस बार मुकाबला वैसा ही होगा, कड़ा होगा, मार्जिन जो है, हाँ। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। एक शेर है कि विजन माने बहुत डार्क, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते, विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते, दोनों पैर उधर कर ली तब समझ में आएगा, हाँ। विजन वन में खड़े वटवृक्ष सिंचवाए नहीं जाते, और जिगर के जख्म चौराहे पर दिखलाए नहीं जाते। आज अभी बसर वित्ता करोगी जनता करती मन की बात।